वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए भिंडी फ्राई करने आई हूँ। तो देखिए, कुछ भी नहीं डालूँगी, हल्दी, नमक, हरी मिर्च और धनिया, तेल, जीरा, ये मैं डालकर बना रही हूँ। देखिए कैसे मैं बना रही हूँ, जल्दी से देखिएगा। ये डाल रही हूँ मैं तेल, ज्यादा डल गया तेल। तो ज्यादा डल गया था तेल, इसलिए मैं इसमें डाल दूंगी जल्दी से जीरा। हम डाल दूंगी इसमें हींग और उसके बाद डाल दूंगी मैं फटाफट, सही हो जाएगी मेरी। हटा देंगे तो देखिए मेरा तेल गर्म हो रहा है। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें दो तीन प्याज काटी हुई और हरी मिर्च। और कोई मसाला नहीं डालूंगी मैं, सिर्फ थोड़ा ही मसाला डालूंगी। देखिएगा मैं कौन कौन मसाला डालूंगी भिंडी फ्राई करने में। ना टमाटर डालना ना कुछ, और बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएगी। और देखिए, हाँ तब तक मेरा ये भुन रहा है प्याज, तब तक आप मेरा जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आपको मैं अच्छी अच्छी वीडियो दिखाती रहूँगी इसी तरह। देखिए देखिए, ज़्यादा नहीं भुने हम। अब मैं डाल दूँगी इसमें भिंडी, अब मैं डाल दूंगी इसमें मसाला। देखिए मैं क्या क्या डालूंगी, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच डाल देना। और इसमें कोई मसाला नहीं डलेगा, बस सिर्फ फ्राई करना है। मिर्च में हरी डाल चुकी हूँ इसमें ऑलरेडी, तो अब इसको हम धीमी धीमी आंच से फ्राई करना है और बहुत ही अच्छी कुरकुरी बन जाएगी। अब हम ढक दे रहे हैं इसको, तो जब तक मैं आपसे बात कर दे रही हूँ जब तक कि भिंडी फ्राई हो रही है। तो गाइस देखिए, भिंडी आपने कहीं तरह की भिंडी खा कर देखी होंगी, बनाई भी होंगी। टमाटर डालते हैं, कोई नींबू डालता है, कोई आमचूर डालता है, लेकिन मैं कुछ नहीं डालती हूँ और सिर्फ फ्राई करती हूँ चावल के साथ, सब्जी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हो, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देखते रहिएगा मेरा ये भिंडी कैसे कैसे बन रही है। तो गाइस आप लोग भी बनाइए, खाइएगा। और चलिए मैं एक बार और इसको चला देती हूँ।
बीच बीच में इसको चलाते रहना पड़ेगा। तब तक मेरी भिंडी पक रही है ना, तब तक मैं आप लोगों को अपनी बालकनी दिखा दी। ये मेरी रसोई है, ये देखिए, ये रसोई है मेरी, ये देखिए। तो मेरी भिंडी धीमी आँच पे ही पक रही है, ये देखिए है। और ये आरो है, चलिए मैं बाहर बालकनी में ले चलती हूँ आप लोगों को। तो देखिए बाहर कितना घेरा है, ये मनी प्लांट है, ये मनी प्लांट है। और ये देखिए हमारे तार हैं यहाँ कपड़े डालने वाले, देख रहे हैं आप। ये लाइट है, ये बाहर है, यहाँ बाहर का देख पा रहे हैं हम। चलिए गाइस, मैं अंदर आती हूँ, दरवाजा बंद कर ले रही हूँ। भिंडी को देख ले रही हूँ, ये देखिए बस 5 मिनट में ही भिंडी बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई मसाला नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से मैं भिंडी बनाती हूँ, तो आप लोग भी खाइएगा, बनाइएगा इसी तरह से जैसे मैं बना रही हूँ। तो मैं एक दो दिन में, हो सकता है मैं आपको रैबिट दिखाने जाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ उसमें मंदिर के सामने एक पार्क है, उसमें रैबिट रहते हैं, पाले हुए हैं। तो कंपनी की तरफ से उनको रखा गया है, तो मैं उनको गवर्नमेंट की कंपनी है, तो उन्हीं की तरफ से यहाँ रखा गया है, बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको दिखाऊँगी ये रैबिट भी कैसे रहते हैं वहाँ पर। तो मैं जाऊँगी, गर्मी के मारे में नहीं कर पा रही हूँ अभी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए गाइस देखिए मेरी भिंडी शायद थोड़ी देर देखिए, तो भिंडी बन के तैयार होने वाली है। बस 2 मिनट का टाइम हो गया इसके लिए, तो जब तक मैं चलिए अपने घर वाले रूम में चलती हूँ आपको लेकर। जब तक भिंडी बन रही है मेरी, मैं पंखे के नीचे आ गई हूँ, बहुत गर्मी लग रही है इस समय। तो ये देखिए मैं क्या क्या है मेरी अलमारी में, ये बैंगल्स हैं मेरे, तो यहाँ पर मेरी बैंगल्स रखी हुई है, ये मेरे कपड़े रखे हुए हैं। तो दोस्तों आपको मैं खाना बनाने के साथ साथ आपसे ढेर सारी बातें हो रही हैं मेरी, और देखती हूँ मेरी भिंडी बनकर तैयार हो गई है। चलो चलती हूँ। देखिए लगभग
तैयार हो गई है। तो अब मैं कर रही हूँ सर्व। तो गाइस देखिए ये मेरी भिंडी बनकर फ्राई हो गई है, तैयार हो गई है। तो आप भी बनाइए खाइए। तब तक के लिए बाय।